गाइस अभी देख सकते हैं हम अभी एक टिका बम फुटाते हैं सारे फुट गए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। तो कैसे आप सब, मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक है गाइस। तो गाइस अभी सुबह के बज रहा है 7:30। तो अभी मैं सो के उठा हूँ मस्त। लगभग रात में थोड़ा दूर एडिट करने के बाद हम सोए थे लगभग 2 बजे रात में। तो हालत ख़राब हो चुका है पूरी तरह से। तो आज दीपावली का दूसरा दिन है। तो आज क्या क्या होगा रात में आप लोगों को पहले पार्ट में बता दिए थे। तो आज यही सारा कुछ होगा। तो आज देखिएगा क्या क्या होने वाला है। तो अभी हम आए हैं नदी की तरफ, थोड़ा नहीं बता सकते, पर्सनली है। तो होके जाते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं घर में जाके। आज नदी होके आ गए हैं। तो देख सकते हैं हमारी भाभी साहब जो है अभी धान काटने में बिजी है। देख सकते हैं भैया और भाभी जो है धान काट रहे हैं इधर अपने खेत में। ओहो, काटा काटा जल्दी करो, काटा गौपन खाली खाली दोनों खाली। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो गाइस आज है गुड़िया पूजा, आप लोगों को बता दें अच्छा तरह से, हम रात में कल बता नहीं पाए थे। तो आज धान के खेत में पूजा होगा। तो देख सकते हैं हमारा धान जो है पूरा तरह से हो चुका है। देख सकते हैं पूरी तरह से चारों तरफ। और कटिंग करना है आप लोगों का, कटिंग करना किसी को आता है मेरे सब्सक्राइबर सबको, तो आ जाइएगा, काट के धान काट के दे दीजिएगा। 300 टका दिन और साथ में 2 टाइम का खाना। तो आइए और काट के देके जाइए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये चीज करना बहुत ही जरूरी होता है, खास करके सुबह का टाइम सबको करना चाहिए। दांत सफा, फेस सफा। तो गाइस जा रहे भैया के घर। भैया के घर में ये सबको पीसना पड़ेगा, पीस के जो है हमारे गौ माता को खिलाना पड़ेगा। तो आप लोग देखिएगा कि कैसे कैसे पीसते हैं और कैसे खिलाते हैं गौ माता को। तो चलिए भैया के घर जाके पीसते हैं पहले फटाफट से। गाइस इसको बोला जाता है बाखोर। तो बाखोर को कूट के हम लेके जा रहे हैं अभी घर की ओर। तो गौ माता को खिलाना पड़ेगा। ये हमारे हिंदू समाज में दीपावली के दूसरे दिन खिलाना ही पड़ता है। तो चलते हैं और खिलाते हैं। A few moments later. नहा धो के मस्त रेडी हो चुके हैं। अभी गौ माता को उनका भोजन यानी कि प्रसादी खिलाने के लिए, जो कि हम लोग आप लोग जब देखे कि हम लोग कूट के लेके आए, तो खिलाते हैं उनको और खिलाना ही पड़ेगा। तो दिखाते हैं आप लोगों को खिलाते कैसे हैं। चल रहे हैं हम लोग खेत पूजने के लिए मम्मी के साथ। देख सकते हैं उधर चले जाए। पूजा होता है संपन्न। अब चलते हैं बाहर की ओर, अब घर पे होगा गुड़िया पूजा, तो चलते हैं भाई। चलिए घर की ओर प्रस्थान किया जाए। तो गाइस आप लोग बताइए कि ऐसा पूजा किस किस ने अभी तक देखा है और किस किस ने नहीं देखा। अगर जिसने भी देखा तो कमेंट में हाँ लिखेगा, नहीं देखा तो ना लिखेगा। तो देखते हैं कितने का आदमी कमेंट करते हैं अब तक। Later. तो गाइस हम चले गए थे काली माता का दर्शन करने के लिए औदरा घाट। तो वहाँ पे जोरों शोरों से मेला लगा हुआ था। काली माता का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। तो इसका भी पार्ट 2 दिन बाद मिल जाएगा आप लोगों को। तो अभी रात के बज गए 6:30। तो अभी हम आके घर पहुंचे हैं। दिन भर घर पे नहीं थे तो ज्यादा कुछ नहीं दिखाया। पूजा पाठ करने का हम निकल गए थे। तो अभी देखते हैं मम्मी जो है अकेले दिया लगा रही है, तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं तो देख सकते हैं चारों तरफ लग गया है दिया। इधर लग गया है और उधर भी लग गया और उधर बल्ब जल रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं मम्मी जो है इसके ऊपर लगा दी है चारों तरफ से, देख सकते हैं इधर और उधर। देखिए गाइस आप लोग सबके खेतों में देख सकते हैं एक एक दिया जल रहा है। एक वहाँ 2, 3, 4 और उधर 5, देख सकते हैं सबके खेतों में दिया जल रहा है। तो आज था गोवर्धन पूजा और उसके बाद जो है हम लोग को आप लोग जैसे खेत में देखे ही तो वो भी पूजा था। सब कुछ पूजा खत्म। दीपावली का आज दूसरा दिन है तो अच्छा ही लगा होगा आप लोगों को। तो अब थोड़ा मार्केट की तरफ जाते हैं, आप लोग वहाँ भी दिखाते हैं। और भी एक चीज़ दिखाना बाकी है आप लोगों को। देखिए गाइस वहाँ भी है एक भैया का घर है, वहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से लगा दिए दिया सबको और एक दिया वहाँ जल रहा है। मेरा भतीजा का दुकान जो फटाका बेचता है। किसी को लेना है फटाका होता है तो ले सकते हैं, देख सकते हैं। होटल वो आजा फटा फटा लगा, फटा 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 दिखा तो फुलझड़ी फुलझड़ी फटा दिखा दो पैसा बाकी 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 नहीं होता है, बाकी नहीं होता है। लगा लगा लगाओ 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 ना, छोटा वाला लगा गाइस। अभी देख सकते हैं हम अभी एक टिका बम फुटाते हैं। ओ बाप रे बाप। A few moments later. तो गाइस हम चले गए थे मार्केट। मार्केट में आप लोग देखे कि बॉम फौरी फर्स्ट टाइम आज। तो आके सो गए थे, खाना भी नहीं खाए। तो अब जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। रात के अभी बज रहे 9:30। तो शायद मम्मी भी सो गई है तो अपने से निकाल के खाना पड़ेगा खाना। तो खाना वाना खा लेते हैं। तो हमारे गांव का दीपावली आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और उसे सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो इनको सब्सक्राइब करके उसके बाद में जो बेल आइकन उसको भी दबा देना है, तोड़ देना, फोड़ दे, जो करना आप लोग को कर दीजिएगा। तो बस खाना खाए या सोए पता नहीं चल रहा, लेकिन हम उठे सो के तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन थक गए बहुत ज़्यादा ही आज। लेकिन मेला भी चले गए थे, उसका पार्ट आप लोग को देखने को मिलेगा ही। तो हम चले सोने के लिए, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, बाय बाय एंड शुभ रात्रि।